और हमारा गाड़ी का कवर दो, टाइगर फाड़ दिया पूरा और रखा नहीं है, पूरा फाड़ दिया आधा। हेलो मेरे फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी गाइस सुबह का 9 बज रहे हैं, मैं जल्दी उठा था, मैं 7 बजे उठा हूँ और रीमा भी जल्दी उठे थे क्योंकि अम्मी नहीं थे ना, तो रीमा सब झाड़ू वगैरह लगा रहे थे, मैं थोड़ा हेल्प कर दिया, तो जल्दी जल्दी सब कुछ काम हो चुका है। और दो दिन से ना बादल कर रखा है और बारिश बारिश जैसे लग रहा है और हवा भी मस्त चल रहा है, ठंडा ठंडा हवा दे रहा है। और मैं ब्रश करने क्यों मैं आया था यहाँ धान देखने के लिए, हमारा ये धान सब सो गया ना, तो वही देख रहा था मैं, बोला कब कैसे कटिंग हुई, धान हुआ कि नहीं हुआ। इधर का धान सो गया है लेकिन इस साइड का धान ना हुआ है थोड़ा बहुत, और वहाँ जो कल रात में कटिंग हो रहा था धान, वो लोग सब पैकिंग कर रहे हैं, जैसे बोरा में भर रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4 खेत का धान इतना है, इतना हुआ है। क्या हो वैसे ले जाते हो ना, तुम रहो काटू। अच्छा अच्छा, इनका धान काटे जाएगा, अभी मशीन लेके जा रहे हैं बुला के, मशीन वाला अभी भी व्यस्त हो जाएगा, फिर रात भर कटिंग करेगा, पैकिंग कर रहे हैं। और उनके भी वहाँ पे कल कटिंग किया था ना रात में पूरा साफ कर दिए, मस्त हवा दे रहा है, आवाज आ रहा है बड़े बड़े, यही मशीन का तो पीछे से धान निकलता है, कचरा निकलता है, ऐसे कचरा निकलता है और ऊपर से धान निकालते हैं। चल गाइस मैं फिलहाल चलता हूँ, ब्रश वगैरह नहीं किया, ब्रश वगैरह करता हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह करूँगा। और हमारा गाड़ी का कवर दो, टाइगर फाड़ दिया पूरा और रखा नहीं है, पूरा फाड़ दिया आधा। और अब यहाँ अभी चाय पी रहे हैं सुबह सुबह, अभी नाश्ता करेंगे ना, नाश्ते के लिए कुछ है ही नहीं, सब्जी वगैरह कुछ है नहीं, तो अम्मी रहते तो अंडा लेकर आ जाते थे मुर्गी के पास से अंडा, तो अभी अंडा उठाने के लिए जाना पड़ेगा, अब्बू को बोल रहा हूँ मैं जाने के लिए। अब्बू जाओ, वो अंडा कहाँ देता है मुझे पता नहीं, मैं कल शाम को चेक किया था ही नहीं, तुम जाके देखो जल्दी, तुझे खाने के लिए ही नहीं। अब्बू का बाल उखड़ रहा है, उल्टा उल्टा तेल लगाते इसलिए। चलो गाइस रीमा ऑमलेट बनाते बनाते मैं खा लेता हूँ अनार, अनार है रीमा, और 2 अंडा तो यहाँ है, चलो अनार खाते हैं, अनार पहले खा लेता हूँ उसके बाद में नाश्ता करेंगे। और गए रीमा ऑमलेट बनाएंगे, 2 अंडा अब्बू लेके आए थे सुबह सुबह और 2 पहले का था फ्रिज में, तो ऑमलेट बनाएंगे हम खाएंगे अभी। यहाँ पे रीमा ऑमलेट बना रहे हैं और मैं देखो अनार निकाल दिया, फिर अनार खाऊंगा उसके बाद में नाश्ता करेंगे। थोड़ा से लो, थोड़ा सा, थोड़ा से लो, थोड़ा बोला तुम सब ले लिए। और ले लो। और जैसे भी नाश्ता वगैरह हो चुका है, अभी जाऊंगा अम्मी को लेकर आने के लिए, उसके पहले अम्मी को कॉल करते हैं। ये कौन है, कौन जाओ छो छुआ, पापा वो जाओ, ये बच्चे लोग जा रहे हैं, उनका धान काटा जाएगा आज, तो अब वो है अभी कुछ काम कर रहे हैं, अम्मी नहीं ना इसलिए, तो मेरे अम्मी सब काम कर लेते हैं, अम्मी को कॉल करते हैं फिर जाऊंगा ले आने के लिए। अबू जाके अम्मी को लेकर आ जाऊँ क्या, रीमा कॉल करो अम्मी का, बस अम्मी का आईफोन में, हाँ पूछो ना क्या पकाऊ, पूछते रोज तो पूछ रहे थे क्या पकाऊ मम्मी। आज भी पूछो कौन से आज अब्बू फजर लाइन था दोनों, नाश्ता कर लियो भी, पूछो पूछो किस टाइम में मैं जाऊं, दोपहर को खा लेके जाऊं, जैसे खाओ जाओ कहीं बैठो नहीं मैं जा रहा हूँ मार्केट, पालक साग लेकर आना है, रीमा बोल रहे थे पालक साग लेकर आओ बनाएंगे, मार्केट में पालक मिलेगा तो लेकर आऊंगा नहीं तो नहीं, कॉल करके बोल दूंगा ठीक है। हाँ मिल सकता है, फजर फजर मिलता है, दिन दोपहर को मिली ना, अभी क्या दोपहर हो गया ना, क्या तुरा हो मिलता ना, हाँ चिन्ह मत कितनी तुरा हो, क्या मिलता है साग मिलता है, हमारे यहाँ साग नहीं मिलता बोलते, हमारे यहाँ ज्यादा मिलता है, मोरसल है ना इसलिए गांव एरिया है, अरे अभी नहीं मार्केट में नहीं मिलता अभी, चलो मैं चलता हूँ, तुम्हारे साथ में भैंस करके कुछ फायदा नहीं है, मैं लेकर आता हूँ, 12 बज गए ठीक है, 11 बज रहे 12 बज रहे बज रहे ठीक है चलो। टमाटर क्या क्या लिखा ठीक है गाइस, अभी मैं आके मार्केट में पहुंच चुका हूँ, देखता हूँ यहाँ पालक है कि नहीं, पालक सब अच्छी ना, यहाँ पे तो नहीं है, इनका पास तो नहीं है, उनका आगे एक दुकान है वहाँ देखते हैं, मिला तो सही है नहीं तो फिर दूसरा मार्केट में लेकर आना पड़ेगा। गाइस यहाँ भी पूछ रहा हूँ, यहाँ भी नहीं है, चलो
दूसरा मार्केट में जाके ले आते हैं। हमारे यहाँ पालक ही नहीं मिलते, मानस के पास आया हूँ। चलो गाइस मोच वगैरह साइज करके थोड़ा चलता हूँ दूसरा मार्केट में, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है तो वहाँ से जाके लेकर आना पड़ेगा। यहाँ तो नहीं है, मानस साइज कर देगा थोड़ा, मोच थोड़ा आगे आ रहे हैं, चावल डाल दिए, ऑपरेशन करेगा मानस अभी, ऑपरेशन चल कर, ये थोड़ा मुंह के ऊपर आ रहा है इसलिए। तो गाइस अभी दूसरा मार्केट में आके पहुंच गया, यहाँ पे पालक मिल गए, यहाँ से लेते हैं पालक। बेटा कहते ना कष्ट होना बेटा, जोर पूरी दे। टमाटर लेते हैं, टमाटो लाल लाल नहीं है भाई, डॉलर दे, लाल लाल लेने बोले रिमो। चलो गाइस सब्जी वगैरह ले लिए और छोटे छोटे पौधे भी लेने हैं टमाटर का, और अम्मी कुछ बोला था, चलो देख के लेके चलते हैं। और गाइस यहाँ से ले लिए छोटे छोटे पौधे, टमाटर मिर्च और शिमला मिर्ची का पौधे सब लिया, चलो चलते हैं। फाइनल गाइस घर पे आके पहुँच गए, चलो रीमा को देते हैं जल्दी जल्दी पालक, पकाएंगे देते चिलाएंगे मुझे भी। ये 40 रुपये का एक पीस, ये अकेला 40 रुपये का है। हाँ हाँ रे बड़ी, हाँ ये 40 का है, पत्ता गोभी तुम बोले पत्ता गोभी ले पाओ, फूल गोभी रेट कम था। चलो कोई नहीं, ये लेकर मस्त मस्त पौधे सब लगाएंगे, खाएंगे, फूल को भी पौधे लगाए, फूल को भी लगाएंगे। 4 पीस था ही नहीं, चार, तुम 4 का बात बोल रहे हो ना, 3 ही था उसका पास। चलो गाइस ये पौधे को ना इस तरीके से रख रहे हो, नीचे पानी है हंडा में तो इसको थोड़ा थोड़ा डुबा के रखेंगे तो सही रहेगा। और कैसे भी दोपहर हो चुका है, हम लोग का खाना पीना सबका हो चुका है, और मैं अभी जाऊंगा अम्मी को लेकर आने के लिए, और थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है, बूंदाबांदी हो रहा है थोड़ा बहुत, तो मैं अभी जा रहा हूँ अम्मी को लेकर आऊंगा, 2:30 बज रहा है अभी। चलो कल हम आज वीडियो डाल दिया था जल्दी, और अभी उसका शॉर्ट वीडियो बना रहे अभी, नहीं नहीं कल का, अभी डेली डेली डाले डेली डेली यार डालो कल दो दिन में डेली, बंद कर दो ठंडा ठंडा हवा रहे। तो रिमा मैं आता हूँ ठीक है, कुछ बोलना है तो नंदन को कुछ SMS देना है, फोन से दोगे तो जवान नहीं तो लाइक लाइक बंद करो, लाइक बंद करो, आई एम हौली हौली हकली हकली है। तो चलो गाइस सीधा चलता हूँ अम्मी के पास, और अम्मी वहाँ रेडी हैं, अम्मी अभी कॉल किए थे, बोला बारिश हो रहा है देख के आना, मैं बोला हाँ, मैं झूठ बोला एक अम्मी से, मुझे बोले तू कहाँ है, मैं बोला मैं रास्ते में जा रहा हूँ, लेकिन घर से नहीं अभी निकल रहा हूँ, अम्मी कल ब्लॉग देखेंगे तो डांटेंगे, नहीं बोलना चाहिए था लेकिन मैं बोल दिया सॉरी। और मैं हेलमेट भी लगा लिया, हेलमेट ले लिया हूँ क्योंकि ठंडा ठंडा हवा भी दे रहा है, और हेलमेट भी सेफ है ना, कुछ गिरा पड़ा होता है तो सेफ है, तो इसके लिए लेके चलते हैं हेलमेट को, हेलमेट के बिना नहीं जाना चाहिए बाहर कहीं, हेलमेट लेके जाना चाहिए। और कैसे भी यहाँ पे रुका हूँ पेट्रोल डालने के लिए, पेट्रोल खत्म हो गया था, टंकी फुल करा रहा हूँ। गाइस मैं अभी आधा रास्ता कवर कर चुका हूँ, और यहाँ तो इधर बारिश होके गया है, रोड पर भीगा हुआ है, देखो यहाँ से इधर तो बारिश होके छुटा है, अभी अभी तो हल्का हल्का बारिश बूंदाबांदी हो रही है, आड़ा से हुआ आड़ा से आधा रास्ता से, हमारा जम्मू ही से नहीं, हाँ सूखा पड़ी से ही आधा रास्ते, देख तो बरसात गिरता है, बरसात होता है। अम्मी चलो बारिश होने दो, बारिश आगे नहीं हो रहा है, यही पे हो रहे हैं, कल गोद भरे है ना रिमा का, हाँ तुम लोग सब जागो, जो वेदा तो नहीं जाएगी, तू जा नहीं पाएगी है ना, तेरा गोद भरे में भाभी नहीं आ पाई, भाभी का गोद भरे में तू जा नहीं पाएगी, खा सकेगी नहीं कुछ, एक दूसरा गोद भरे रहता है ना मिल, दोनों को नहीं जाते हैं, ऐसा कुछ है रसम कुछ है पता नहीं, अम्मी को पता होगा। गाइस यहाँ जब से आगे पहुंचा हूँ तब से बारिश हो रहा है हल्का हल्का, अभी भी हल्का हल्का हो रहा है, अम्मी बोल रहे चल भाग चल अभी जाएंगे ना अम्मी, अगर रास्ते में जोर से बारिश हो, रेनी कोट पहन लिया अभी बारिश से बचने के लिए, अगर जोर से बारिश हुआ मैं बच जाऊंगा, अम्मी क्या लगाए जारी लगा दिए, लगा दिया तो बस्ती में देखेंगे ना इसकी सांस क्या पे लगती है, हमरा अम्मी का रेनी कोट हमरा घर में ही नहीं, बरसात हो रही है निकाल तो यहाँ बस्ती काल में देखेंगे आगे जाके लगाना हो कोई देंगे क्या आइडिया है, ऐसा लगा देंगे ऐसा साड़ी बोल के मालूम होता है, रेनकोट पहन लिए बारिश से बचने के लिए,
अगर हाँ। जोर से बारिश हुआ अम्मी भीग जाएंगे, मैं बच जाऊंगी। चलो गाइस मैं ये बांध लेता हूँ, हवा घुस रहा है ना तो हेलमेट के अंदर से हवा घुस जाता है, इतना ठंडा ठंडा हवा दे रहा है। अम्मी का दामाद ये लगा दे रहे हैं, क्या है क्या रेनकोट का कवर है। अरे वो मत ये करो, क्या होगा मुना भरने से क्या टोपी जैसा लगता है। माँ बेटी नाटक कर रहे हैं, चलो वही चलो। क्या बारिश लगी थी, कोई डॉट ले जाओ उधर, इसके भीतर घुस आ गए ना, ओढ़नी बांधन से बस रहा। हाँ, आराम से गई। हाँ ठीक बात, उसे करो ले देखो, ऐसे छोटा नहीं लेना, ऐसे बांध दी ना, आराम से रहा, अब जाके पानी बरसात छूट जाएगा। गाइस देखो बारिश हो रही है, गाड़ी भीग गया हमारा, कैसे जाएंगे माँ बेटा, घर जाते थे भीग जाएंगे पूरा है ना। और कैसे भीग भाग के आगे हमारे यहाँ का मार्केट में पहुँच गया है, चलो फ्रूट वगैरह ले, कल गोद भरी है रीमा का, तो लेके जाएंगे अम्मी, बिरयानी का चावल वगैरह भी ले लिए और थोड़ा बहुत अच्छे सब्जी वगैरह फ्रूट वगैरह लेंगे, तो कैसे सब ले लिए फ्रूट सबसे थोड़ा थोड़ा। कितना रुपया हुआ, 170। तो फाइनल गए, सभी आगे घर पे पहुँच गए भीग भाग के, तो अभी कलाम अभी टूनेट अपडेट बना रहे हैं, उसके लिए कुछ खाने के लिए नहीं लेके आए, अब्बू कुछ लेके आए तभी खा रहे हैं वो। अम्मी यहाँ आके काम करने लग गए, गोरू वगैरह बांध दिए, और कैसे भी मैं जा रहा हूँ मैगी बनाने के लिए, मैगी बनाऊंगा मैं, रीमा अम्मी सब खाएंगे। कलाम तो खाया मैगी नहीं, नहीं मेरा है, मेरा माल पानी है। कलाम को माल पानी है, अब्बू लेके आए पकौड़ा वगैरह, अब्बू लेके आकर रखे है यहाँ आलू कस्सा और पकौड़ी, और ये भी लेके रखे है केला एप्पल, और अभी टूनाइट अपडेट बना रहे हैं, थंबनेल बना रहे अभी, उसको एक्सरसाइज करेगा उसको बनाएगा। चलो मैं मैगी बनाता हूँ पहले। और जैसे रात के 11 बज रहे हैं, हम सबका खाना पीना तो हो चुका है। अम्मी मैं जब आया ना दीदी घर से, इतना ठंड लग रहा था, ठंड लग रहा था, अम्मी तो पूरा ऐसे ऐसे हो रहे थे और मैं भी ऐसे हो रहे थे। हाँ अम्मी थर रहे थे पूरा, हवा इतना तो बारिश हो रहा था, बारिश हो गया नहीं, अम्मी भीग गया मैं भी भीग गया हूँ, मैं रहने को डाला था फिर भी मेरा पैर वगैरह सब भीग गया था, जींस पैंट पहना था वो पूरा भीग गया था, वो हवा दे रहे पूरे जैसे फ्रिज के अंदर पैर ऐसे लग रहा था मुझे, है ना अम्मी। हेलो मैं आ गया ना, घर के अंदर ठंड नहीं लग रही दादा, बाहर बहुत ठंड है, घर पूरा पैक है ना इसके लिए। रीमा का कल गोद भरी है, कल है फैजान जाफरी सब आएंगे, बिरयानी वगैरह बनेगा और खिलाने के लिए, रीमा को खिलाने के लिए सब फ्रूट और मीठा सब वैरायटी मीठा थाल सजेगा, और उसके बाद मैं रीमा को लेके उनका घर छोड़ दूंगा थोड़े दिन के बाद, दो चार दिन रख के फिर घर उनका घर लेके जाऊंगा छोड़ने के लिए। तो चलो आज का ब्लॉग में इतना ही था, आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करने, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।